राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डुंगरू पर जिले में स्थित बेड़ेश्वर धाम पहुंची, जहां उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने लखपति दीदी कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेड़ेश्वर धाम हजारों जनजातियों और लोगों के आस्था का पवित्र केंद्र है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि आदिवासी समाज एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा है। उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाएं शुरू की हैं ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। महिलाओं को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एक दिन था जब महिलाएं घूंघट में थी, अब कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जहां महिलाएं नहीं जा सकती। सभा में आने से पहले मैं एक लखपति दीदी से मिली। लखपति दीदी ने मुझसे कहा कि वो IIT से ट्रेनिंग लेकर यहां काम कर रही हैं। यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश में आधी आबादी महिलाओं की है, इसीलिए घर बैठे काम नहीं चलेगा। घर को चलाने के लिए दोनों का सहयोग जरूरी है। जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर मैं आप सबसे बीच उपस्थित हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस करती हूँ। माही, सोम और जाखम जैसे नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित बेड़ेश्वर धाम की ये भूमि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। राजस्थान वीरों की भूमि है, ये इंद्रधनुषी संस्कृति की भूमि है, पधारो मेरो देश की अतिथि संस्कार की भावना यहाँ की पहचान है। जब राजस्थान की वीरता की बात होती है तो यहाँ की आदिवासी समाज के भाई बहनों का गौरवशाली इतिहास हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी वीरों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन वीरों ने राणा का हरदम साथ दिया था। आदिवासी माताएं और बहनें अपने पतियों और बेटों को मातृभूमि की सेवा में मर मिटने के लिए खुशी खुशी विदा करती थी। मैं उन सभी ऐतिहासिक वीर माताओं और बहनों को सादर नमन करती हूँ।